हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो इसी के साथ करते हैं अपने आज दिन की शुरुआत। तो चलिए फ्रेंड्स, आज है काम बहुत ज़्यादा। और गाइस, आज काम ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आज बच्चे घर पे ही हैं दोनों दोनों। जितना शिवन्या नहीं करती, जितना कि वो लोग करते हैं तंग तो ये रहे। क्या करना है? इसे तो मेकअप करना है। बताओ बताओ, ये बॉक्स लेके इसे मेकअप करना है। और आप उधर कर लो बेटा, मैं काम, मुझे ना काम करने दो। अभी काम नहीं हुआ है। आज यहाँ पर सारा फैला हुआ रखा है। गेट लगा दूँ। और गाइस, खाना पीना तो आज बना नहीं है, बस अब बनाऊंगी खाना पीना तब निकाल लेती हूँ। तो गाइस, काम करने से पहले सामने ही सिलेंडर और सब्जियाँ रखी हुई थी, तो मैंने कहा पहले यहाँ से ये सामान हटा के जमाती हूँ, थोड़ा सा रास्ता बन जाएगा आने जाने के लिए, क्योंकि बच्चों का कुछ ना कुछ काम पड़ता रहता है छोटे कमरे में। तो इनकी बुक वगैरह रखी होती हैं और बैग वगैरह भी यहीं रखे रहते हैं। तो सिलेंडर मैंने उठा के जब तक रखा था ना, मैंने अंदर तक, जब तक फिर अम्मा आ गई थी तो उनके लिए मैंने दरवाज़ा खोला था, तो अम्मा कुछ सामान लेने आई थी तो वो तुरंत चली गई, बैठी नहीं। और यहाँ पर मैं साथ के साथ ही आटा जो कि था नहीं पिसवा के लेकर आए हैं गेहूँ, क्योंकि हम लोग गेहूँ वाला ही आटा खाते हैं। और क्योंकि जो एक पिसा हुआ आता है तो वो पिसा हुआ हम लोग नहीं खाते हैं, अपना गेहूँ वगैरह खरीद के जो वही मतलब साफ़ वगैरह करके जब मतलब कि खाते हैं। और वो अब यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, आटा वगैरह मैंने डाल दिया, उसके बाद मैं अपना आटा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा छान के अपना गूंदूंगी मैं। और यहाँ पर थोड़े से लहसुन वगैरह तड़का के लिए मैं प्याज वगैरह ले रही थी, लहसुन वगैरह ले रही थी, और जो कि इनको छील के जब मैं पालक के साथ पीसूंगी गाइस, ये कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी। क्योंकि एक तो होता है कि साथ तड़का लगाना, लेकिन नहीं, मैं इसी में पालक के साथ ही पीस दूँ। और गाइस, साथ में ही मैं मशीन को रख दूंगी अब उठा के, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। मसाला वगैरह मैंने ये पीस लिया है, पालक वगैरह, और साथ के साथ ही मैं रख ही देती हूँ मशीन को, मैं यहाँ नहीं रखती हूँ सामने। और अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ, ये सब्जी मैं तड़का वगैरह लगा दूंगी तो जल्दी बन जाएगी। और साथ में ही जब तक कढ़ाई गर्म होगी और तेल गर्म होगा ना गाइस, तब तक मैं आटा गूंद लूँगी, क्योंकि वो मैंने धीमी आंच कर रखी है उसमें, तो अपना जब तक मेरा आटा वगैरह सारा लग जाएगा। और लहसुन वगैरह मैंने काट लिया, लहसुन का तड़का लगाऊंगी मैं इसमें, और प्याज काट के प्याज भी डालूंगी मैं इसमें। बस बाकी की चीज़ तो मैंने सारे पालक के साथ ही पीस दी थी। और गाइज, मैं तड़का वगैरह लगाकर और उसकी धीमी आंच करके यहाँ पर आ चुकी हूँ, और यहाँ धो रही हूँ मैं तेज का बैग, जो कि इसने बहुत गंदा कर रखा था, क्योंकि मैंने अभी धोया था ये हफ्ते पहले धोया था, तो उसमें ये तेज ना कुछ ज़्यादा ही गंदा कर देता है। अब इसको कैसे समझाएं, तो इसीलिए मैंने कहा चलो इसका बैग धो देती हूँ। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी तो मैंने कहा जल्दी शाम तक ही सूख जाएगा ये, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप है, रोज की तरह बारिश नहीं है आज। और गाइस, अब शिवन्या को दे देती हूँ मैं दलिया, क्योंकि दलिया मांग रही थी काफ़ी देर से, वो तो थोड़ा काम था इसलिए नहीं दे पाई। और इसके देने के बाद मैं धो रही हूँ सब्जियाँ, जो कि कल रात में वो बाज़ार से लेकर आई थी, तो सारी की सारी सब्जियाँ मैंने धोई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी धो लेती हूँ। तो यहाँ पर धो रही हूँ मैं लौकी और जंगली करेले होते हैं वो धो रही हूँ। इनको धोने के बाद मैं फिर रखूँगी इनको फ्रीज में, और फिर बारी आ जाती है टमाटर की,
तो टमाटर वगैरह को भी मैं धो के रख दूंगी। और भी सब्जियां हैं गाइस, अभी तो खाली टमाटर नहीं है। और यहाँ पर है थोड़ी अदरक और हरी मिर्च थी, तो हरी मिर्च के ना मैंने डंडे वगैरह नहीं तोड़े थे, तो डंडियाँ होती हैं जो, तो मैंने कहा चलो उनको सबको तोड़ के जब मैंने इसको मतलब वॉश करा था, और फिर रह जाते हैं हमारे फल वगैरह। तो इस बार मैं बाज़ार से फल लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ जैसे आजकल आ नहीं रहा है गली में बिकने के लिए, तो अनार वगैरह लेकर आई थी और सेब लेकर आई हूँ। इनको भी गाइस मैं फ्रिज में ही रखूँगी। और ये जो गुलाबी रंग की जो टोकरी है जिसमें मैंने धोया था, इसको अच्छे से वॉश करके जब ही मैंने इसमें फल वगैरह रखा है, और इसी में मैं रखती हूँ जब मैं कोई भी फल लेकर आती हूँ, क्योंकि इसमें एक तो देखने में भी अच्छा लगता है, और मतलब अच्छा लगता है देखने में इसमें, और इसको रखने में भी, और एक जगह आ भी जाता है क्योंकि थालियाँ वगैरह जगह ज़्यादा घेरती है। जैसे कि इसमें टमाटर और हरी मिर्च रखी है, इस टाइप से थालियाँ हैं बड़ी, तो वो फ्रिज में नहीं रखी जाती है, जगह ज़्यादा घेर लेती हैं। तो ये जो मिर्च वगैरह है और ये सारे, इनको तो मैंने हमेशा ही दरवाजे में रखती हूँ, क्योंकि इसका खाना जो होता है दरवाजे की छोटी छोटी जो खिड़कियाँ जो कहते हैं उनको रखने के खाने वगैरह होते हैं वो अलग है। और टमाटर वगैरह को इनकी टोकरी में रख दूँगी, जिससे थाली अपनी खाली हो जाएगी, और फिर बाद में रख दूँगी मैं इसको फल, फल वगैरह रखने के बाद फिर आगे हम अपना काम करेंगे। ये देखिए गाइस सब्जी बन गई, पालक की ऐसी बनी है, दिखाती हूँ। ये खाली पालक का साग बनाया है और सिंपल सब्जी है, इसमें पनीर वगैरह नहीं डाला है, खाली ये तड़का लगाया पीस के, और यहाँ आटा रखा है। अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए खाना। तो हितेश तो सो गया है, क्या करूँ काम बढ़ जाता है इन लोगों के चक्कर में, तो वो सो गया, उसे उठाऊंगी। और अब डेढ़ बजे के करीब हो गए, तो इनके लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। और गाइस जो फालतू का काम था सारा ख़त्म हो चुका है, अब वह बच्चों के खाना खाने की बारी। तो इकट्ठी रोटी मैं बना लूँगी बच्चों के लिए, तो ताकि बार बार ना बनानी पड़े मुझे, क्योंकि इस बार अभी जो है गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, आज ही ज़्यादा गर्मी है, नहीं तो और दिन तो बारिश रहती थी, तो इसीलिए। और इतेज भी सो गया है, तो इसीलिए मैं कहा सारी इकट्ठी बना के जब ही सब लोग खा लेंगे बैठ के अपना आराम से। अब मैं खाना दे देती हूँ, और खाने का टाइम हो चुका है, तो आप भी लंच कर लीजिए। साग है, पालक का साग है, और रोटी है, और सैलेड में प्याज है। तो गाइस अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।